हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज मैं आप लोगों के लिए एकदम लेटेस्ट अपडेट लेके आई हूँ, जो आज 19 अप्रैल से 3 मई तक जो लॉकडाउन किया गया है राजस्थान में, उसके बारे में है। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे शिक्षा मंत्री माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो आपको देखिए स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। सभी बच्चे और टीचर्स और बाकी सब लोग भी इसको ध्यान से देखें। राजस्थान में कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु 19 अप्रैल से 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इस दौरान तमाम शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। सभी शिक्षक इस दौरान वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जिसके संबंध में पूरी जानकारी विभागीय आदेश में संलग्न है। ये स्पेशली टीचर्स जो हैं एजुकेशन से संबंधित और जो बच्चे हैं उनको ये जानकारी प्राप्त हो, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, एजुकेशन से संबंधित वीडियो है। अब आप लोग देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, वो मैं आपको पूरा स्क्रीन पर थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देती हूँ। जो आदेश आया है उसको पढ़ के सुना देती हूँ। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने जो आदेश दिया है वो ये है कि राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव गृह ग्रुप 9 विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक और दिनांक 8/4/2021 के अनुपालना में कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार से प्रसार को देखते हुए इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दिनांक 19/4/2021 सोमवार से दिनांक 3/5/2021 सोमवार को प्रातः 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा बाबत प्रदत्त निर्देशों के क्रम में राज्य के समस्त विद्यालय कार्यालय एवं शिक्षण संस्थाएं दिनांक 19/4/2021 से लेकर 3/5/2021 तक बंद रहेंगे। उक्त अवधि में समस्त शिक्षक कार्मिकों को नियमानुसार निर्देश दिए जाते हैं। इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि विद्यालय पब्लिक कार्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक एवं कार्मिक जो कोविड-19 के तहत प्रदत्त दायित्वबद्ध नहीं है, वे अपने मुख्यालय पर रहते हुए वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सेकेंड पॉइंट बताया गया है कि वर्क फ्रॉम होम वाले समस्त कार्मिकों ने अपने मुख्यालय पर रहते हुए ही मोबाइल ऑन की स्थिति में वो रखेंगे तथा प्राप्त निर्देशों की जो पालना सुनिश्चित करेंगे। थर्ड पॉइंट है कि कोविड ड्यूटी अनिवार्य सेवा में कार्यरत अथवा भविष्य में कोविड ड्यूटी में लगाने जाने वाले शिक्षक कार्मिकों को तदनुसार अपने कर्तव्य हेतु प्रदत्त दायित्व का निर्वहन करना है। कोविड-19 के तहत गठित निगरानी समिति में कार्यरत संस्था प्रधान अपने कार्यालय में उपस्थित रहते हुए दायित्व की पालना करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, जिन शिक्षक कर्मियों की अनिवार्य सेवा अन्य कोई आवश्यक सेवा हेतु ड्यूटी नहीं लगी हुई है, वे समस्त शिक्षक अपने घर से ही परीक्षा परिणाम निर्माण विश्लेषण तथा विद्यार्थियों के लिए विभाग द्वारा संचालित स्माइल और स्माइल 2 साथ में ई कक्षा आदि कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु अपने उनसे संपर्क में रहेंगे। मंडल जिला एवं ब्लॉक स्तरीय शिक्षा विभाग के कार्यालय अध्यक्ष अपने जिले उपखंड एवं ब्लॉक के प्रशासनिक कार्यालयों के साथ समन्वय कर कोविड-19 के संबंध में प्रदत्त दायित्वों के क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के अतिरिक्त शिक्षा विभाग के समस्त सदस्यों से कोविड रोकथाम हेतु उपयुक्त व्यवहार की पालना की उपेक्षा की जाती है। ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा सौरभ स्वामी जी के आदेश की जो कॉपी है वो मैंने आप लोगों को दिखा दी। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जितने भी टीचर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने विद्यालय में पढ़ने वाले 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको मेरा ये जो चैनल है अनीता शिक्षा, इसकी जानकारी ज़रूर दें, ताकि जो बच्चे अब क्रमोन्नत होकर अगली कक्षाओं में आए हैं वो अंग्रेज़ी की पढ़ाई तो स्टार्ट कर लें। मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके सारे चैप्टर्स के वीडियोस बनाए हुए हैं, ग्रामर भी समझाई हुई है, तो बच्चों को कम से कम पढ़ाई से जोड़े आप रख पाएंगे। स्माइल प्रोग्राम आप लोग करवाते ही हैं, उसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा इनिशिएटिव मैं मेरी तरफ से देती हूँ बच्चों के लिए कर रही हूँ, तो आप इसको भी ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को भी मिलते रहें। अब मैं चलती हूँ और 10th और 12th वाले बच्चे जो हैं वो उनके ऑनलाइन क्लासेस लाइव में स्टार्ट करने वाली हूँ, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इसका पूरा लाभ उठाएं, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में उनके बहुत अच्छे नंबर आएँ, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएँ तो होंगी ही, वो बिल्कुल भी आगे पोस्टपोन होने की कोई चांसेस नहीं है। इसलिए सब बच्चे पढ़ाई करें 10th और 12th वाले। अब मैं चलती हूँ, हैव अ नाइस डे। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।